पर क्या है और बाहुबली 3 की कहानी क्या है, बाहुबली 3 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। उस दिन महेशमती साम्राज्य के भाग्य का निर्णय होना था। कौन राजा बनेगा, कौन अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को संभालेगा, इसका निर्णय लिया जाना था। राजमहल के सामने भीड़ खड़ी थी। भीड़ के सामने थे अमरेंद्र बाहुबली, शपथ भी ले रहे थे, लेकिन राजा की नहीं, सेनापति की। राजा की शपथ पहले ही ली जा चुकी थी। राजा बने भल्लाल देव यानी बाहुबली के बड़े भाई और राजमाता शिवगामी के पुत्र, लेकिन भीड़ चाहती थी राजा अमरेंद्र बाहुबली बने। कोई और उन्हें स्वीकार नहीं था, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन अब राजा भल्लाल देव थे, कानूनी रूप से राजमाता शिवगामी के दिए हुए वचन के अनुसार भी। राजमहल के आंगन में एक ऊंचे मंच पर शपथ ली जा रही है, लेकिन भीड़ अपना नायक बहुत पहले ही चुन चुकी थी। तभी एक योद्धा शपथ लेने मंच पर आता है, एक लाइन बोलता है, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, महेशमती की असंख्य प्रजा और उसके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। उसके बाद भीड़ का सब्र टूट जाता है। भीड़ से एक नारा उठता है, हमें चाहिए बाहुबली। बस समस्या इसी लाइन में है कि हमें चाहिए। ये समस्या केवल बाहुबली के चाहने वालों की नहीं है, स्पाइडरमैन के चाहने वालों की भी है, आयरन मैन के चाहने वालों की भी है। ये समस्या चिरकालिक है। बस समय बदल जाता है, जगह बदल जाती है, वस्तु बदल जाती है, लेकिन इच्छा नहीं बदलती। हमेशा और अधिक चाहने की इच्छा। इतिहास की कोख में जब पहले आदम की पहली सांस ने जन्म लिया था, उससे पहले ही एक चीज जन्म ले चुकी थी, वो चीज थी इच्छा। पहली सांस लेने की इच्छा, यूं करके आदमी की इच्छा खुद आदमी से बुजुर्ग है। बस यही दर्शन शास्त्र इस फिल्म के चाहने वालों की इच्छा के पीछे काम करता है। बाहुबली 1 आने के बाद पूरा देश एक ही सवाल के पीछे पागल था, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। इसीलिए बाहुबली 2 भी आ गई। इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन अब तक लोगों को बाहुबली के प्रभास को देखने की आदत हो चुकी, अब उन्हें बाहुबली का तीसरा पार्ट भी चाहिए। अब तो फैंस की समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी और सभी को अपने पसंदीदा हीरो को और अधिक देखने की इच्छा कभी नहीं खत्म होने वाली है। इसीलिए SS राजामौली चाहते हैं कि बाहुबली का तीसरा पार्ट बनाना चाहिए। बाहुबली 3 आएगी कि नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना जितना कि बाहुबली 2 की रिलीज डेट है। मतलब जिस दिन फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, उसी दिन से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार भी शुरू हो गया था। बस उन्हें इंतजार करने वालों के लिए एक खबर। पत्रकार राजीव मसंद के साथ एक इंटरव्यू में प्रभास ने बाहुबली फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि बाहुबली 3 फिल्म आने के अनुमान लगाए जाने लगे। बाहुबली 3 फिल्म आएगी कि नहीं, इस सवाल पर प्रभास ने कहा, अगर राजामौली को बाहुबली का तीसरा भाग बनाना है तो इसके लिए उन्हें उत्साह दिखाना होगा। उन्होंने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट दी थी, शायद उनके पास कम से कम 10 से 14 स्क्रिप्ट है। बाहुबली 2 तक हम लोगों ने केवल 60% स्क्रिप्ट ही खत्म की। मुझे मालूम है कि राजामौली के दिमाग में बाहुबली 3 के स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि बाहुबली 3 कब तक शुरू हो पाएगी। इस इंटरव्यू के बाद से ही दोबारा से चर्चा शुरू हो चुकी है कि बाहुबली 3 आ सकती है।